किसी घटना में नहीं है। जब कोई उसको देख रहा है, कोई इवेंट्स हो रहा है सामने से, मैं उसको देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और साथ में विचारों के तौर पर, फीलिंग्स के तौर पर, कुछ इमेजिनेशन के तौर पर कुछ निगेटिव सोच रहा हूँ, यहाँ से प्रॉब्लम है। तो आपके सामने जो घटना घटती है इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल होता नहीं। आप कुछ भी कर लो, कितना भी जोर लगाओ, कोई घटना आपके साथ क्या घटे इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कर सकते हैं, घटना घटने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है ये आपके हाथ में है, वहां पे आप कुछ कर सकते हैं। अब देखो, मेरे हाथ में ये माइक है, मैंने इसको पकड़ा है। माइक का वेट कितना भी हो, अगर मैं उसे बिना काम के 5 मिनट पकड़ूं, 10 मिनट पकड़ूं, 15 मिनट पकड़ूं, उसके बाद मैं इसको पकड़ने लायक नहीं रहूंगा। अगर ये माइक का वेट मेरे लिए बहुत कम है, फिर भी अगर कुछ काम नहीं है, बेवजह मैं इसको ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकता हूँ, बेर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये माइक, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैसेज सेंड कर रहा हूँ, कुछ मेरे काम को कारण है, कुछ उद्देश्य है, तो ये माइक को मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक बेर कर सकता हूँ। कोई आदमी जिसको कोई काम नहीं है, उसका माइंड शैतान से भरा रहेगा। जो आदमी जिसको बहुत सारा काम है, बहुत सारे उसके पास काम है करने के लिए, उसके पास टेंशन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब तक मैं इसे बिना काम के होल्ड करता रहूँगा, मेरे हाथ में दर्द होगा, लेकिन मैं इसके जरिए कुछ काम करूँगा, मुझे उसकी तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं खाली निकम्मा बैठूंगा तो मेरे दिमाग में ख्याल आएंगे, अगर मैं बैठूंगा लेकिन कुछ काम करूंगा तो मेरे दिमाग में ख्याल स्ट्रेंज ख्याल नहीं आएंगे। ठीक है, अभी देखो एक बात चलती है। गुरुकुल परंपरा आप सबको मालूम है, गुरु कहता है शिष्य सुनते हैं, गुरु कहता है शिष्य सुनते हैं। एक बार गुरु परंपरा के गुरु जो अधिष्ठित स्वामी आगे चल रहे थे, शिष्य पीछे जा रहे थे। गुरु के कुछ नियम थे, तौर तरीके थे, जीने के कुछ नियम थे, उन्होंने पहले से शिष्य को बताए थे। देखो, कभी भी शादी नहीं करना, स्त्री के साथ बातें नहीं करना, उनके सामने से कुछ भी, मतलब वो कुछ कहते हैं करने के लिए ललचाते हैं तो भी नहीं ललचना, ऐसे कुछ बातें उनको बताई गई थी। और ये सब बातें दिमाग में रख के वो गुरु के पीछे कुछ शिष्य जा रहे थे। अभी ये ठीक है, संन्यासावस्था एक अवस्था होती है, वानप्रस्थाश्रम अवस्था एक अवस्था होती है, लोग उनमें जीते हैं। लेकिन जब वो जा रहे थे, तब जहाँ से वो जा रहे थे वहाँ एक तालाब था और एक महिला वहाँ पे काम कर रही थी, कपड़े धोने का काम कर रहे थे। काम करते करते वो औरत अचानक वो पानी में गिर गई, जिसको तैरना नहीं आता था। अब ये गुरु हैं, आगे चल रहे हैं, शिष्य हैं, वो पीछे चल रहे हैं। एक शिष्य देखता है कि मेरे आंखों के सामने एक औरत पानी में है, डूब रही है, मरने जा रही है, और मेरा वचन ये कहता है कि औरत को ना देखो, उसके साथ ना बात करो, उसकी परछाई भी नहीं होनी चाहिए, हम अलग हैं, अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने वो सब बातें थोड़ा देर के लिए बाजू में रखी, वो तुरंत भागा, उस औरत को उठाया, किनारे लाया, सेफ कर दिया, और फिर अपने झुंड में चला रहा, चलता गया। अभी उनमें एक शिष्य ऐसा था जो इस बात को लेके पकड़ा, बोले स्वामी जी बोले कैसे नहीं, स्वामी जी उस शिष्य के बारे में बोले कैसे नहीं, वो दिमाग में वो बातें लेके। स्वामी जी एकदम चुपचाप, बाकी सब शिष्य चुपचाप, सब चल रहे हैं अपने अपने, वो औरत बेचारी बच गए, किनारे लग गए, हो गए। अभी ये हुआ, 1-2 किलोमीटर चले आने के बाद
वो शिष्य अपने गुरु से पूछता है, स्वामी जी क्या आपने देखा नहीं एक दो किलोमीटर पहले क्या किया एक शिष्य ने? बोले क्या किया? बोले हमारा क्या है नियम, औरत को देखना नहीं, उसके सानिध्य में जाना नहीं, ये ये ये। और वो क्या किया? वो सीधा चला गया, उस औरत जो डूब रही थी उसको बचा लिया, किनारे लगा दिया, उसने तो छुआ, आपने कुछ बोला नहीं, उसने उसको टच किया जो हमारे खिलाफ है। महाराज बोले कि उन्होंने जब किसी व्यक्ति को डूबते हुए देखा तो उसको बचा, उसकी जान बचाई, ये काम उसने कुछ सेकंड में किया, लेकिन तुम उस औरत को पिछले 2 किलोमीटर तक लेके आए दिमाग में, उसको कितना होल्ड किया। उसने जाके, एक शिष्य ने जाके तालाब से उस औरत को तुरंत निकाला, जो 1-2 सेकंड का काम था, आपने उसको सर पे बिठा लिया, 2 किलोमीटर तक चले आए, यहां पे आपने घोर अपराध किया। जब तक आप किसी समस्या को होल्ड नहीं करते और लेके चलते नहीं तब तक प्रॉब्लम नहीं, उसको लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा है। मेरे सामने कोई घटना घटे उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है नहीं, लेकिन सामने से घटना घटने के बाद जो मैं रिस्पॉन्स करते जा रहा हूं निगेटिव फीलिंग्स के द्वारा, निगेटिव विचारों के द्वारा, इलॉजिकल तार्किक के द्वारा मैं जो भी करते चला जाऊं, ये प्रॉब्लम है। मैं ये बैठे सोचूं कि मेरा पास्ट कितना खराब था, मेरे पास्ट में ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, जो कि मैं अभी बदल नहीं सकता हूं, जिसके बारे में जितनी भी बातें होगी वो फिजूल की बातें होगी, जितना भी टेंशन में लेता जाऊंगा उतना बढ़ेगा, उससे क्या मिलेगा मुझे। तो जो भी मैं चर्चा करूंगा, जो भी मैं सोचूंगा, जो भी फीलिंग्स निर्माण होगी, जो पास्ट के बारे में होगी, वो मुझे क्या देगी? टेंशन और देगी, और उसी समय में मुझे लेके जाएगी जो मुझे सहा था। अब मुझे क्या करना है? अब इससे रिलेटेड अगर मैं फ्यूचर से बातें करूंगा जो मेरे हाथ में नहीं है, तो और टेंशन, कल ये होगा, ये होगा, ऐसा लास्ट टाइम हुआ था तो ऐसा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा हुआ तो ऐसा होगा, ये बातों से क्या मिलेगा मुझे? जब मैं अपने आप को फ्यूचर के साथ में निगेटिव फीलिंग के साथ जोड़ लेता हूँ, निगेटिव विचारों के साथ में उसके जोड़ लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ये कि मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा। मुझे ये कला सीखनी आनी चाहिए कि मैं वर्तमान में कैसे जीऊँ, वर्तमान जो मेरे हाथ में है, रिस्पॉन्स करना जो मेरे हाथ में है, इसमें मुझे जीने की कला सीखने को आनी चाहिए। आपको लगता है ऐसे? आपको लगता है ये सही है? ये सही है। मुझे वर्तमान में जीने की कला वाकई में समझ में आनी चाहिए। अगर मैं अतीत के बारे में सोचूंगा, अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा तो मेरा वर्तमान में खराब कर रहा हूं। अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, बीती हुई बातों के बारे में सोचता हूँ, तो मैं मेरा वर्तमान खराब कर रहा हूँ। अगर मैं वर्तमान के बारे में सोचूंगा, मेरे अभी के रिलेवेंट प्रेजेंट के बारे में सोचूंगा, जिसे मैं बेटर करता चला जाऊँ, तो यही बेटर मेरा पास्ट भी हो जाएगा और फ्यूचर भी होगा। यही बेटर मेरा पास्ट और फ्यूचर दोनों को संयोग रखेगा। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे पहले कुछ ऐसी आदतें सीखनी है जो मेरा स्ट्रेस मैनेज नहीं कंट्रोल करेगा। हम मैनेज किसको करते हैं? टाइम को मैनेज करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ मेरा लगाव है। हम अपने जीवन को मैनेज करते हैं, क्योंकि जीवन के साथ मेरा लगाव है। स्ट्रेस के साथ मेरा क्या लगाव है? उल्टा स्ट्रेस के साथ मेरा प्रॉब्लम है। मुझे मैनेज नहीं करना है, उसको कंट्रोल कर करके उसको निकालना है। अब क्या करें? पहली है कि मेरा जीने का तरीका मुझे बदलना पड़ेगा, मेरा सोचने का तरीका मुझे बदलना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ बातें मुझे दिमाग में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात क्या करेंगे? सबसे पहली बात यह करेंगे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि मन क्या है, एक रबर समझो, उसको मैं खींचता चला जाऊं तो एक पॉइंट पे वो टूटेगा जरूर। तो मेरा मन स्ट्रेस से भरना नहीं चाहिए। जब भी मुझे ऐसा लगे कि तनाव लग रहा है, तनाव में हूं मैं, मुझे शांति मैंने खो दी है, मेरी सांस की प्रवाहित धारा है वो खो दी है मैंने, ऐसे टाइम पे वो सब घटना को छोड़ दो
और अपने मूल स्वभाव में आ जाओ। मूल स्वभाव क्या कहता है? शांति से सांस लेनी है, छोड़नी है, शांति से सांस लेनी है, छोड़नी है। क्योंकि घटना तो घटने वाली है, रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, घटना तो घटने वाली है, रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, तो शांति से मुझे क्या करना है, मेरे सांस के जरिए मुझे खुद को कंट्रोल करना है।